आज गोवा में भी चुनाव हो रहा है और अब जब गोवा में चुनाव हो रहा है तो मैं देश के मतदाताओं के सामने और विशेषकर जहां चुनाव चल रहा है वहां के मतदाताओं को भी एक बात से अवगत कराना चाहता हूं। मैंने कल गोवा के एक अखबार का इंटरव्यू देखा। देखिए, चुनाव गोवा में चल रहा है और टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, उनके एक नेता, उसने गोवा में वो चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं और उनको पूछा गया कि यहां आपकी पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं, आप यहां चुनाव लड़ने क्यों आए हो, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वो जवाब देश के इलेक्शन कमीशन के लिए भी गौर करने जैसा है, हिंदुस्तान के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है और मेरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है। क्या जवाब दिया? बंगाल की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है वो कहती है, हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र है, सेक्युलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? ये भेदभाव, क्या ये भाषा लोकतंत्र की है क्या? मैं गोवा के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, ये मौका है इस प्रकार की राजनीति को दफना देने का।